हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम ट्वेंटी फर्स्ट अप्रिल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ़ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट पेज पर ऐस कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन नंबर के बारे में मैंशन है तो रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है इंडियाज़ इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर फॉर कोविड नाइन्टीन बेसिकली रिप्रोडक्शन नंबर ये इंडिकेट करता है कि डिजीज़ कितनी तेज़ी से स्प्रेड हो रही है और अगर आर की वैल्यू वन से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन एटलीस्ट एक पर्सन को तो इन्फेक्ट कर ही रहा है तो एन आर वैल्यू वन विच सिग्निफाइज दैट एवरी इन्फेक्टेड पर्सन इज पासिंग ऑन द इन्फेक्शन टू एटलीस्ट वन पर्सन ऑन एन एवरेज तो आर वैल्यू किससे रिलेटेड है कोविड नाइन्टीन से इससे क्या पता चलता है तो बेसिकली इससे ये पता चलता है कि डिजीज़ कितनी तेज़ी से यहाँ पर स्प्रेड हो रही है आगे चलते हैं ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द इनक्रोचमेंट पहले हम प्रेमाइज जान जान लेते हैं तो जहांगीरपुरी एरिया जो कि दिल्ली का एरिया है वहाँ पर जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट था तो वहाँ पर बुलडोजर्स का यूज़ किया गया और बेसिकली जो भी इलीगल स्ट्रक्चर्स थे उनको यहाँ पर डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट का बीच में ऑर्डर ये आया कि स्टेटस को को मेंटेन किया जाए और ये जो जो भी स्ट्रक्चर्स को डाउन किया जा रहा है वो ना किया जाए और साथ ही लोगों को यहाँ पर नोटिस भी नहीं भेजे गए थे स्ट्रक्चर्स को गिराने से पहले तो बेसिकली इस आर्टिकल में ऑथर ने यही बताया है कि क्यों यहाँ पर ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है बाय लॉज में जब लिखा है कि आपको नोटिस भेजने हैं तो आपने नोटिसज क्यों नहीं भेजे और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि स्टेटस को मेनटेन को किया जाए तो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों नहीं मान रहे हो तो यही इस आर्टिकल में बताया गया एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं After all, in dense urban sprawls across India, encroachment of public spaces is so widespread that it is not remarkable anymore. तो so, पहला point तो ये है कि illegal encroachment आपको public spaces में मिल जाएगा। लेकिन आप उसके बाद अगर selective targeting कर रहे हो तो basically बहुत ही गलत बात है। अगर यहाँ पर illegal encroachment है और ये problem है तो उसको deal करने के लिए आप कोई law बनाओ। तो what is striking is the selective action taken in its name by the state। जहाँगीरपुरी, इसके अलावा खारगांव, मध्य प्रदेश, वहाँ पर basically बुलडोजर का यूज किया गया और यहाँ पर इलीगल स्ट्रक्चर्स को डाउन किया गया इलीगल इंक्रोचमेंट हैज बिकम द प्रोटेस्ट फॉर अ बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे नो नोटिस व सेंट टू द रेसिडेंट्स ऑफ जहांगीरपुरी बिफोर बुलडोजर्स वेंट टू डिमोलिश स्ट्रक्चर्स तो यहां पर ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया नोटिसज नहीं भेजे गए जबकि बायोलॉज में ऐसा लिखा है कि नोटिस भेजने पड़ेंगे एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए पब्लिक लैंड इंक्रोज बाई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर तो अगर टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है तब आप ना भी भेजो नोटिस लेकिन यूजुअल में आपको यहाँ पर नोटिस भेजना होगा जो कि नोटिस नहीं भेजे गए थे एनी अटैक ऑन ड्यू प्रोसेस मच लेस वन दैट इज अ हाई प्रोफाइल एंड दे फोर एज अन एज दिस वन अफेक्ट ऑल सिटीजन बेसिकली जो फंडामेंटल प्रॉमिस है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का ये उसको वॉयलेट करता है जो ड्यू प्रोसेस है वो सिर्फ रूल बुक में नहीं लिखा होता आपको उसको फॉलो भी करना होता जो कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन द एवरीडे डे बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट इट इज़ व्हाट कीप्स देम ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टुल ऑफ ईच अदर्स फ्रीडम एंड स्पेस तो बेसिकली ऑथर का यहाँ पर यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस में इंटरवीन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो स्टेट है वो यहाँ पर ट्रांसग्रेस करने की कोशिश कर रहा है और जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पर जो स्टेट है वो उसको वॉयलेट कर रहा है तो इट कॉन्ट केक दिस कैन डाउन द रोड फॉर द सिटीजन सेक्स एंड फॉर इट्स ओन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करने की ज़रूरत है ये जो आर्टिकल है अनसंग दलित विमेन हीरोज तो बाकी तो आपको सब पता होगा सावित्री बाई फूले के बारे में इसके अलावा आपको नांगेली के बारे में पता होगा यहाँ पर एक फैक्ट ये है दक्ष्याानी वेला युद्धान was द फर्स्ट एंड ओनली दलित woman टू बी इलेक्टेड टू द Constituent असेंबली 1946. तो ये आप फैक्ट एक याद कर सकते हो तो दक्ष्यानी वेलायुद्धान was द फर्स्ट एंड द ओनली दलित woman जो कि इलेक्ट हुई थी टू द Constituent असेंबली 1946. अगर आपको और भी नेम्स देखने हैं तो यहाँ पर स्टोरी बताई गई है जैसे कि नांगेली fought अगेंस्ट द क्रूअल ब्रेस्ट टैक्स सिस्टम जो कि imposed किया जाता था लोअर कास्ट की वुमेन पे जो भी यहाँ पर अपने ब्रेस्ट को कवर करती थी तो उनको यहाँ पर ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था तो इस आर्टिकल में बेसिकली दलित विमेन की स्टोरीज़ को बताया गया है और जिन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की फिर यहाँ पर सावित्री बाई फूले के बारे में बताया गया जिन्होंने यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की फॉर द दलित्स तो अमंग सोशल रिफॉर्मर्स देयर आर वॉस सावित्री बाई फूले अपाइनियर इन एजुकेशन फॉर द हु स्टार्टेड अ स्कूल इन एटीन फोर्टी एट विद नाइन गर्ल्स फिर उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जिसमें विडोज़ और रेप सर्वाइवर्स जो थे वो अपने बेबीज़ को वहाँ पर डिलीवर कर सकते थे अब हम आगे चलते हैं इंडियाज वीट अपॉर्चुनिटी ये हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल रशिया और यूक्रेन टुगेदर अकाउंट करते हैं थर्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट्स अब रशिया और यूक्रेन तो यहाँ पर वॉर में फंसे हुए हैं तो ये जो स्पेस है ये इंडिया एक्वायर कर सकता है लेकिन ये स्पेस को एक्वायर करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है तो दिस सडन शॉर्टेज ऑफ वीच इन ग्लोबल मार्केट्स एंड द सर्ज इन प्राइज हैज़ स्पॉन्ड डिस्कशन इन इंडिया ऑन हाउ बेस्ट टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी लेकिन ये आसान क्यों नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना तो उसके रीजनस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहला इसका रीज़न ये है कि अगर हमने एक साल एक्सपोर्ट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा हमारे यहाँ शॉर्टेज भी हो सकती है और अगर हमारे यहाँ शॉर्टेज हो गई और सरकार ने यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया कि इससे इससे कम प्राइस पर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हो तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम एक साल एक्सपोर्ट करें और दूसरे साल में एक्सपोर्ट ना करें तो इसकी वजह से हम एक अनरिलायबल ट्रेड पार्टनर बन जाएंगे इसीलिए कोई भी कंट्री हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा तो एक्सपोर्टिंग ऑल द स्टॉक वुड पोश अप डोमेस्टिक वीड प्राइजेस और इसके बाद क्या होगा आने वाले समय में सरकार अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो सरकार यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा देगी और हम अगले साल अगर एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे तो इंडिया को एक टैग मिल जाएगा कि इंडिया एक अनरिलायबल ट्रेड पार्टनर है। तो इन एग्रीकल्चरल ट्रेड इंडिया हैज द डुबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बींग एन अनरिलायबल ट्रेड पार्टनर विच पार्टली एक्सप्लेन इट्स वन परसेंट शेयर ऑफ ग्लोबल वीट एक्सपोर्स डिस्पाइट बींग द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड तो हम वीट के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और हम एक्सपोर्ट करता करते हैं सिर्फ वन परसेंट तो अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को इतना तेज़ी से इनकेश करने की कोशिश करेंगे तो इस बार तो हमें एक्सपोर्ट कर लिया लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेसिकली हम एक अनरिलइबल ट्रेड पार्टनर बन जाएंगे और इसकी वजह से जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर एक डेंट लग जाएगा दूसरा जो कंसर्न है वो कंसर्न ये है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एफ जो है वो फोर्टी परसेंट जो भी आउटपुट है वो फोर्टी परसेंट आउटपुट यहाँ पर एफ सी आई खरीदती है एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब डब्ल्यू के कमिटमेंट्स के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो प्रोकर्ड ग्रेन्स को नहीं बेच सकती कमर्शियल ग्रेन्स के लिए तो बेसिकली जो एफ सी आई ने ग्रेन को प्रोकर कर रखा है उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर क्या किया जा सकता है तो बेसिकली यहाँ पर राउट किया जा सकता है कि पहले जो एफ सी आई है वो इन ग्रेन्स को ओपन मार्केट में सेल करे इसको कोई प्राइवेट ट्रेडर खरीदे फिर इसको एक्सपोर्ट करे तो ये किया जा सकता है लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो उसकी वजह से जो कॉम्पिटेटिवनेस है वो कम हो जाएगी तो राउट द सरप्लस टू एक्सपोर्ट्स अ लार्ज गैप इज नेसेसरी गिवन द एडिशनल इंटरमीडियट तो एफ को क्या करना पड़ेगा पहले मार्केट में बीच को रिलीज करना पड़ेगा फिर ट्रेडर्स मार्केट से खरीदेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे तो एज द एम एस पी ओनली राइजेज एवरी ईयर तो जब ग्लोबल प्राइजेस कम हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है पॉपुलरिज्म के चलते एम लगातार बढ़ाती है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कंसिडरेशन ऑफ द एसपोर्ट पैरिटी प्राइस अब एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं हो सकेंगे इसके अलावा पोर्ट्स के ऊपर भी इन है तो आफ्टर मीटिंग ऑल द कॉस्ट क्या हमारा जो ग्रेन है क्या वो कॉम्पिटेटिव रहेगा तो यही एक क्वेश्चन किया गया तो बेसिकली हमें क्या करनी चाहिए हमें अपने फंडामेंटल्स को सुधारने की जरूरत है हमें टाइम टू ट्रेड को कम करने की जरूरत है कॉस्ट टू ट्रेड को कम करने की जरूरत है तो यहाँ पर हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की जरूरत है अब जैसे बांग्लादेश है बांग्लादेश अगर यूक्रेन से वीट इम्पोर्ट कर रहा है रशिया से वीट इम्पोर्ट कर रहा है तो बेसिकली हम बांग्लादेश को वीट क्यों नहीं भेज सकते हैं तो हम इसीलिए नहीं भेज सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा बीच बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है तो इंडिया हैज़ द हाईस्ट नंबर ऑफ कंसाइनमेंट रिजेक्शन इन बोथ यूरोपियन एंड यू एस मार्केट्स क्योंकि उनका ये कहना होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे हैं या तो हमने फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो ऐसे कुछ रिजेक्शन हो जाते हैं तो ऐसे रिजेक्शन ना हो हमें यहाँ पर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए तो इंडिया हैज़ द हाइस नंबर ऑफ कंसाइनमेंट रिजेक्शन इन बोथ यूरोपियन एंड यू एस मार्केट्स तो यहाँ पर यही बताया गया कि क्या क्या चैलेंजेस हमने एक बार डिस्कस कर लिए अब हम आगे चलते हैं इन अ फ्री फॉल इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स ये आपको पता है जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रिक्टेबल है और जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टेबल है तो स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है उसको रिड्रॉ किया जा सकता है तो इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स इट इज़ नॉट अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बेसिकली इंडिया जो है इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ होल्डिंग टुगेदर बट ऑफ कमिंग टुगेदर ठीक है जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रिक्टबल है और जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रक्टेबल हैं जो स्ट्रेंथ होती है सेंटर की वो लाई करती है इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट्स तो बेसिकली अगर मैक्रो इकोनॉमिक एबिलिटी स्टेट्स की अच्छी होगी यूनियन की भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो देआर फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द यूनियन इज कंटेंजेंट ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ बोथ सेंटर्स इन द स्टेट अब प्रॉब्लम गई यहां पर फ्रीबीज की प्रॉब्लम कि ये जो स्टेट्स फ्रीबीज दे रहे हैं उससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम अराइज हो सकती है अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो बेसिकली देर आर सेवन रीजन पहला ये कि इसकी वजह से एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ डिस्टॉर्ट हो जाती हैं क्योंकि सरकारें यहाँ पर पहले पैसा अलग कर देंगी कि इतना तो हमें सब्सिडी में देना है इतना तो हमें स्कीम्स के लिए देना है तो अगर वो सब्सिडीज़ और फ्रीबीज के लिए पैसा अलग कर देंगी तो उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कम बचेगा तो फर्स्ट फ्रीबीज बीज अंडरकट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज है वो इसकी वजह से डिस्टॉर्ट हो जाती है यहाँ पर पंजाब का एक्जाम्पल दिया गया है पंजाब में जो भी फ्रीबीज अनाउंस किए गए थे अगर वो सारे फ्रीबीज दिए जाए तो उसका मतलब यह है कि सत्रह हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और डेट रेशियो जो पंजाब का है वो बहुत ज़्यादा है फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट तो डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ पंजाब इज ऑलरेडी एट फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट और सत्रह हज़ार करोड़ के अगर यहाँ पर फ्रीबीज दिए जाएंगे तो डेट टू जी डी रेशियो और ज्यादा वर्सन होगा फिर यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया राजस्थान का तो राजस्थान में बजट में ये अनाउंस किया गया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वापस जाएंगे अब ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ अगर वापस जाते हैं तो बेसिकली यहां पर सरकार का जो 56 परसेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू है वो सिर्फ यहां पर पेंशन में चला जाएगा फॉर द सिविल सर्वेंट्स। तो दस सिक्स परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ मेड अप ऑफ सिविल स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यूज तो प्रॉब्लम ये है जो फिफ्टी सिक्स परसेंट स्टेट का रेवेन्यू है वो सिर्फ छः परसेंट के लोगों को जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है इससे इक्वालिटी हो रही है तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर हमने इनक्वालिटी की देखी फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताई गई है फ्री बीज की कि फ्री बीज की प्रॉब्लम ये फॉर एक्जाम्पल अगर वाटर फ्री दिया जाता है पावर फ्री दी जाएगी तो लोग क्या करेंगे लोग बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल करेंगे लोग वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि लोग सस्टेनेबल यूज़ नहीं करेंगे अगर इंसान किसी भी चीज़ के लिए पे करता है तो वो उसकी वैल्यू समझता है तो एक पॉइंट इसमें यह बताया गया है इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रायोरिटीज़ जो है वो डिस्टॉर्ट होती है फॉर एग्जांपल यूरिया पे सब्सिडी मिलती है तो जो रेशियो होना चाहिए यहाँ पर एनपीके का वो एनपीके का रेशियो इंडिया में मेंटेन में नहीं रहता है फॉर एग्जाम्पल एट्स टू थ्री टू वन का रेशियो इंडिया में यूज़ होता है जबकि ये रेशियो नहीं होना चाहिए जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है तो दिस अफेक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच डू नॉट डिपेंड ऑन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर्स अब वाटर का यूज़ होने से क्या होता है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता है इसीलिए फ्रीबीज़ नहीं देने चाहिए क्योंकि फ्रीबीज़ की वजह से यहाँ पर सब कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ हम ये डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला है आयुष वीज़ा कैटेगरी और आयुष वीज़ा कैटेगरी से क्या होगा बेसिकली मेडिकल टूरिज़म यहाँ पर बूस्ट होगा आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है दिशा ऐप किसकी ऐप है तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की टू तो प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स ऑफ वीमेंस सेफ्टी इश्यूज तो दिशा ऐप आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन डीक्रिमिनालाइजिंग बोनाफाइड एक्शन अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ऐसा नहीं किया जाए और अगर सारे जो भी सिविल सर्वेंट्स उनको डर रहे कि अगर मैं ये एक्शन लूंगा या अगर मैंने ये डिसीजन लिया और इसकी वजह से कुछ गलत हो गया तो मेरे ऊपर फिर मीडिया वाले आ जाएंगे मुझसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो इसकी वजह से पॉलिसी पैरालिस हो जाता है यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो यहाँ पर एक्शन लेने से डरने लगते हैं तो गवर्नमेंट जो वो है वो फोकस करिए कि अगर बोनाफाइड एक्शन है और उसकी वजह से कुछ गलत हो जाता है लेकिन जो इंटेंट था वो सही था इंटेंट यहाँ पर मेलिशियस नहीं था तो उस पर यहाँ पर कोई भी क्रिमिलाइजेशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन डी क्रिमिलाइजिंग बोनाफाइड एक्शन और नॉट तो अगर यहाँ पर पूरा सही प्रोसीजर फॉलो करके सही इंटेंट से काम किया गया है लेकिन उसका रिजल्ट गलत आ गया तो इसको बिल्कुल भी क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा और गवर्नमेंट सोच रही है इसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए ताकि यहां पर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस प्रमोट हो सके आगे हम चलते हैं ट्वेंटी ऑफ श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन से एक टॉपिक है तो यहाँ पर हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से श्रीलंका में क्या किया जा रहा है तो श्रीलंका में एक अमेंडमेंट किया जा रहा है ट्वेंटी फर्स्ट अमेडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पहले इन्होंने नाइनटीन अमेंडमेंट किया फिर इन्होंने ट्वेंटी अमेंडमेंट किया तो बेसिकली नाइन्टीन अमेंडमेंट से इन्होंने जो चेंजेस किए थे वो इन्होंने ट्वेंटी अमेंडमेंट से रिवर्स किए और ट्वेंटी अमेंडमेंट से ये वापस नाइन्टीन अमेंडमेंट वाले चेंजेस ला रहे हैं अब नाइनटीन्थ अमेंडमेंट में इन्होंने क्या किया था इन्होंने प्रेसिडेंट की पावर को कम कर दिया था तो नाइनटीन्थ अमेंडमेंट रश थ्रू बाई द यूनाइटेड नेशनल पार्टी रिजीम लेड बाई देन प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे इन अप्रैल ट्वेंटी फाइव क्या किया था यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की पावर उसको कम कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट यहाँ पर पीएम को रिमूव नहीं कर सकता अपने डिस्क्रिप्शन पे इसके अलावा जो मिनिस्टर है वो तभी रिमूव हो सकता है इफ़ द पी एम सीज टू होल्ड ऑफिस बाई दे रेजिग्नेशन और अदरवाइज ठीक है या तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को यहाँ पर लूज कर देता है तब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है और इफ द गवर्नमेंट लॉस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस ट्वेंटीथ अमेंडमेंट में क्या किया गया ये सारे जो भी चेंजेस किए गए गए थे उनको रिवर्स कर दिया गया तो अमेडमेंट री स्टोर्ड एंड एनहेंस टू ए अनप्रेसिडेंटेड डिग्री द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पावर्स फिर से बढ़ा दी गई और यहाँ पर प्रेसिडेंट को सारी पावर्स दे दी गई अब ट्वेंटी फर्स्ट अमेडमेंट में वापस से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर कम की जा रही है और यहाँ पर प्रेसिडेंट सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट को होल्ड करेगा यहाँ पर हम यार ये डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी मिशन तो 80 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाने की बात की गई तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था स्मार्ट सिटीज का अब स्मार्ट सिटी मिशन क्या है और आई सी क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में ये स्कीम आई थी 100 सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा और 100 सिटीज़ में क्या किया जाएगा सेल्फ सस्टेनेबल अर्बन सेटलमेंट्स बनाए जाएंगे तो 100 सिटीज़ को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था जहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबल अर्बन सेटलमेंट्स बनाए जाएंगे अब इसके स्ट्रैटेजिक कॉम्पोनेंट्स क्या थे तो कॉम्पोनेट्स यही थे कि रेट्रो की जाएगी सिटी का इंप्रूवमेंट किया जाएगा सिटी का रिन्यूअल किया जाएगा सिटी का एक्सटेंशन किया जाएगा और यहाँ पर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट किया जाएगा जो आई हैं स्मार्ट सिटी मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब बेसिकली इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक ऐसी जगह है जहां से रियल टाइम में सब कुछ देखा जाएगा यहां पर सब कुछ सर्विलांस पर रखा जाएगा कि सब कुछ ठीक है वाटर सप्लाई ठीक आ रही नहीं आ रही ट्रैफिक मूवमेंट कैसा है इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट कैसा है सिटी कनेक्टिविटी कैसी है तो बेसिकली रियल टाइम में सब कुछ यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा तो द स्मार्ट सिटीज मिशन इंक्लूडिंग सेटिंग अप इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर ईच सच सिटी एज अ वाइटल स्टेप और यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा स्टेटस ऑफ वेरियस एम्यू इन रियल टाइम वाटर सप्लाई नहीं आ रही कनेक्टिविटी कैसी है और में, ये जो सिस्टम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो आईसीसी तो को यहाँ पर सीसीटीएनएस से भी लिंक कर दिया गया तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी अम्यूनिटीज है उसकी यहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी जो आईसीसी है वो नोडल पॉइंट होगा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल ऑल ऑनलाइन डेटा इसके अलावा एल स्ट्रीट लाइटिंग कैसी है सी सी टी वी सर्विलांस कैमराज कैसे काम करें एयर क्वालिटी सेंसर कैसा सब कुछ यहाँ पे मैनेज होगा ऑन द रियल टाइम बेसिस पेंडेमिक के दौरान इसको वॉर रूम्स की तरफ भी यूज़ किया गया था फॉर द कोविड नाइन्टीन मैनेजमेंट आप ये देख सकते हैं आई सी सी की ही पे एक पिक्चर है आगे हम डिस्कस करते हैं सबमरीन बक्शीर प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव में छः यहाँ पर बनाए गए थे न्यूक्लियर सबमरीन्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी छह समरीन है उनके नाम तो आई एन एस कलवारी आई एनस खांडेरी आई एनस करांच आई एस वेला हैव बिन कमीशन पी सी ट्राइल्स आर ऑन फॉर वगीर और बक्शीर इज द सिक्स तो यहाँ पर छह आपको पता चल गया तो बक्षीर द सिक्स सबमरीन ऑफ द पी सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन नेवी वज लॉन्च ऑन द वसडे बाई वीना जय कुमार ये इंपॉर्टेंट है पी सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट किसके लिए ये आपको पता चल गया वाई बक्शीर अब बक्षशीर नाम किसके ऊपर रखा गया तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सेंट Sandfish अ डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशन जो फर्स्ट सब मरीन है बक्शीर वो हमने रशिया से ली थी बाद में उसको डीकमीशन कर दिया गया था इसका नाम बक्शीर क्यों रखा गया आपको पता चल गया सैंडफिश के नाम के ऊपर इसका नाम बक्शीर रखा गया बक्शीत एक डीजल अटैक सबमरीन है शायद मैंने न्यूक्लियर बोल दिया था डीजल अटैक सबमरीन है जो कि सी डेनाल का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है इट इज़ एनेबल्ड विद थ्री जीरो थ्री एंटी काउंटर मेजर सिस्टम तो इसके अंदर स्टेल्थ फीचर्स भी बहुत ज्यादा हैं तो बस आपको प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या बनाया जा रहा है ये पता होना चाहिए आपको इन छः के नाम पता होने चाहिए कलवारी खांडेरी करांज वेला वागीर और बक्षीर वॉट आर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है कि सेवनी फाइव डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेवनिटी फाइव डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किए जाएंगे तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होती है तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाएगा यहाँ पर मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को डिलीवर किया जा सके कमर्शियल बैंक्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर पीबी और एल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं एज पर दर बी आई ई डी बी मस्ट ऑफर सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे कि यूपीआई से रिलेटेड

अब जो इनके दौरान औरंगजेब थे और औरंगजेब यहाँ पर कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे तो औरंगजेब वॉज द रूलिंग एम्पर दे वर कन्वर्जन साइ द थ्रू अ गवर्नमेंट ऑर्डर और थ्रू कोर्शन इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे वर्ल्ड पेज पर भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है तो यहाँ पर भी हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे